अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी न हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ बजरंग दल और भी हिंदू परिषद के संयुक्त कार्यक्रम चल रहा है। इसमें पुलिस बल तैनात है सड़क को खाली करवाने के लिए, लेकिन ये लोग जानबूझकर सड़क को जाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस अभी इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसमें अभी जो आप लोगों का कार्यक्रम है, ये कितने देर का कार्यक्रम है? ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम एसडीएम ऑफिस में जाके राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम, और उनसे अपील करेंगे कि इस जिहाद को रोका जाए भारत के अंदर। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, जिहाद। जिहाद से आपका क्या मतलब है? जिहाद जो अपने आप को सुपीरियर मानते हुए दूसरे जो आदमी हैं उनको धर्म के आधार पर मारने लग रहे हैं, टारगेट करने लग रहे हैं। यानी आप दो धर्म की बात कर रहे हैं? दो धर्म की भी बात कर रहा हूँ और दूसरी बात ये कर रहा हूँ, जो अनैतिक तरीके से हमारे ऊपर जिहाद कर रहे हैं वो गदवा हिंद की बात करते हैं। गदवा हिंद क्या होता है वो उनसे ज्यादा पूछे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन हम जितना समझते हैं वो भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम हिंदुओं की जैसे औरंगजेब ने अत्याचार करके धर्मांतरण करा, वैसे ही ऐसे जिहादी चाहते हैं कि हमें भी हिंदुओं को खत्म कराया जाए। लेकिन ये जिहादी भी तो हमारे भारतीय ही है ना? ये जिहादी भारतीय है लेकिन अपनी राह से भटक रहे हैं। घर वापसी कर लो, हमारे हो जाएंगे। ये जो इनको शिक्षा दी जाती है मदरसों में, मस्जिद में मौलवियों द्वारा या इनकी किताब के अंदर, वो शिक्षा इनको जो गलत दी जा रही है, जो जिहाद सिखाया जा रहा है। वरना एक बात बताइए आप, जितने भी आतंकवादी हैं वो कोई हिंदू नहीं है, सारे एक ही विशेष समुदाय के क्यों है वे विशेष समुदाय के? सोचने का विषय है। वो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वही तो गलत चल रही है। चाहे इनका इंजीनियर हो लादेन, वो भी यही काम करता है, जिहाद करता था, और चाहे इनका पंचर लगाने वाला हो अब्दुल, वो भी यही काम करेगा। यानी दो समुदाय, एक समुदाय जो अपने रास्ते से भटक गया है उस समुदाय को आप रास्ते पे लाने के लिए सारा कार्यक्रम कर रहे हैं? हम रास्ते पे लाने के लिए, वो रास्ते होश में आए, वो इस जिहाद को छोड़ दें, क्योंकि हिंदू समाज हमेशा ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन हमारे देवी देवता जितने हैं उनके एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। अगर बुद्धि से मानेंगे भाई, शिक्षा से मानेंगे वैसे मनाएंगे, अगर शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी तो महाभारत भी हो रखा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारी जो कानून व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत हमें शस्त्र उठाना अपराध है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, इसीलिए तो हम राष्ट्रपति महोदया के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें हिंदुओं को बताए इस जिहाद से। कदवा हिंदो इनका जो इन बनाने के लिए ये लग रहे हैं, जिसको टारगेट बना रखा है उससे हमें बताएं। अब मैं जरा आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम अभिषेक सिंह बजरंगी, जिला संयोजक बजरंग दल नारगढ़, नजफगढ़ जिला। हाँ जी, आप बताएं क्या कहना चाह रहा है? आज का जो कार्यक्रम चल रहा है इसके संदर्भ में क्या कहना चाह रहा है? ये जो आज हमारा कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा, इसका उद्देश्य और मोटो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो लोग आतंक और जिहाद के साये में बैठे हुए हैं और बेफिक्र होके ये सोच के बैठे हुए हैं कि वो कानून और न्याय से बड़े हैं, ऊंचे हैं, उनके लिए है, वो अपनी गलतफहमी निकाल दे, वो अपनी गलतफहमी निकाल दे, कानून और न्याय से ऊंचा कोई नहीं होता है। जिस प्रकार से हिंदुओं को चिन्हित करके हिंदुओं की कत्लआम हो रहे हैं, इसके विरोध में
हर बार बजरंग दल प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन करके ज्ञापन देना, ये जो हम एक सिस्टम से कार्य करते हैं, इनकी तरह आतंकी नहीं है, इनकी तरह 15-15, 20-20 बच्चे नहीं है हमारे पास, हमारे पास एक और दो ही बच्चे हैं, ठीक है, इनके पास तो 20-20 बच्चे हैं, एक आतंकवादी हो जाएगा, एक पंचर बनाएगा, एक कुछ करेगा, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर वो जिस प्रकार से आतंकवाद का सहारा लेके हिंदुओं का कतलाम कर रहे हैं, उनको बता दे जिस दिन पानी सर से ऊपर जाएगा उस दिन उनको भारतवर्ष में रहने की शरण भी नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जय श्री राम। एक चीज मैं और आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, हमारा जो ये कार्यक्रम आज मुख्य मार्ग पर हो रहा है जिससे कि यातायात अव्यवस्थित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या इसके बजाय हम लोग किसी दूसरे स्थल पर भी कर सकते थे? आप ये बताइए, यातायात उस समय कहाँ था, ये प्रशासन दिल्ली पुलिस उस समय कहाँ थी जब शाहीन बाग में 1.5 साल तक जिहादी मानसिकता वाले लोग सड़क पे जाम करके बैठे हुए थे और बिरयानी चाप रहे थे, तब यातायात डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, तब मानव जीवन में प्रभाव नहीं पड़ रहा था, ये सिर्फ हिंदुओं पे लागू है, इसलिए कि हम 80 करोड़ आबादी हमारी भारतवर्ष में, हम सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मुखियों से लेके जीव जंतु की सेवा और उनकी जीव जंतु की जान प्राण की रक्षा करते, इसलिए हमारी कमजोरी को, हमारे सहज भाव को हमारी कमजोरी ना समझें, ऐसी गलत फहमी में मत रहें। अगर हमें शास्त्र का ज्ञान है तो शस्त्र का भी ज्ञान है, हमारे देवी देवता दिखावे के लिए शस्त्र नहीं धारण किए हुए हैं, समय समय पे वो भी उनका प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी उन्हीं के अनुयायी करने वाले हिंदू सनातनी हैं। तो अभी ये आपका जत्था कहाँ तक जाएगा? हमारा देखिए प्रदर्शन था, प्रदर्शन के बाद हमारा ज्ञापन SDM ऑफिस जाएगा राष्ट्रपति भवन के पास, ज्ञापन SDM के पास हम एक ज्ञापन देंगे जो राष्ट्रपति तक हमारा ये संदेश पहुंचेगा। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इनकी सुनवाई कहां तक जाएगी? भैया ये अभी हम एक ज्ञापन SDM दफ्तर पे जाके दे के आएंगे जो SDM जी राष्ट्रपति जी को सौंप के आएंगे। जी बिल्कुल, अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे ताकि राष्ट्रपति के माध्यम से इस पर रोक लग सके और इस तरह के कांड में लिप्त लोगों को सजा मिल सके। बहरहाल विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन कर आखिर हिंसा के खिलाफ जो आवाज बुलंद की जा रही है वो प्रशासन और सरकार तक कहां तक पहुंचती है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट, तो देखते रहे अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार, हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।